कभी भी टूटी फूटी माला ना तो पहने ना ही अपने पास रखे, क्योंकि टूटी हुई माला हमारे जप तप का प्रभाव कम कर देती है। नमस्कार श्रोताओ, मैं आचार्य रामचिरंजीव शर्मा चैनल भक्ति महिमा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। श्रोतागण, आज मैं आप सब लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि उद्राक्ष की माला पहनने से क्या लाभ होता है और इसे क्यों और कैसे पहनना चाहिए, यह बताता हूँ। श्रोतागण, माला जैसा भी हो सबका अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन रुद्राक्ष का माला का अपना अलग ही महत्व है। श्रोतागण, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, शिव, विष्णु और नवग्रह, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सभी देवताओं की पूजा एवं साधना में रुद्राक्ष का माला सबसे अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष और रुद्राक्ष का माला हमारे मन, मस्तिष्क, रक्त प्रवाह, चर्म, अस्थि, बात, संस्थान और संवेगों को प्रभावित करती है। इसलिए रुद्राक्ष का माला सर्वगुण संपन्न माना जाता है। इसलिए श्रोतागण, हर एक भक्तजन को रुद्राक्ष माला पहनना चाहिए या तो रुद्राक्ष अपने पास रखना चाहिए। भक्तजन कभी भी टूटी फूटी माला ना तो पहने ना ही अपने पास रखे, क्योंकि टूटी हुई माला हमारे जप तप का प्रभाव कम कर देती है। इसीलिए श्रोतागण, शुद्धता माला के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप जब भी रुद्राक्ष की माला पहनना चाहें तो सबसे पहले किसी विद्वान पंडित या ज्योतिष से राय भी मत लें कि यह माला कब और कैसे पहने, किस दिन और किस समय पर पहने। श्रोतागण, मेरा यह मानना है कि आप जब भी रुद्राक्ष की माला पहनना चाहें तो सबसे पहले आप गंगा जल एवं दूध में उसे शुद्ध कर लें, भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें और माला पहनें। ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ मैं आचार्य रामचिरंजीव शर्मा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। और हाँ श्रोतागण, चैनल भक्ति महिमा को जरूर सब्सक्राइब करें।